वाली मिल्क शेक और दूसरा है हमारा चटपटा चिकन काठी रोल। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आया हूँ फूड बस ऑफ इंडिया में और हमने अभी फूड रिव्यू किया है। तो हमारे साथ है फूड बस के जो ओनर हैं, वो है जिन्होंने बेसिकली फूड बस को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो पूरा का पूरा डिजाइन है इनकी पूरी टीम ने किया है, इन्होंने पूरा का पूरा डिजाइन किया है। तो क्या नाम है मैम आपका? आई एम मानुषी, माय ब्रदर इज हमको बहुत फैसिनेशन थी डबल डेकर को इंट्रोड्यूस करने की दिल्ली में। तो हम सोच रहे थे कि कैसे ट्विस्ट लाकर ऐसी चीज पब्लिक को दिखाई जाए। सो देयर इज नथिंग बेटर सेलिंग एंड मोर कनेक्टिंग विद पीपल देन फूड। तो फूड और बस को हमने जो ज्वाइन किया, हम एक पार्टनरशिप में आए हैं दिल्ली के मोस्टली जो चेन्स चलते हैं उनके साथ। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विद अस एंड वी केम अप विद द होल कॉन्सेप्ट। सो दिस इज प्रेजेंटिंग टू यू द फूड बस ऑफ वेलकम यू टू माय चैनल ट्रैवल ब्रॉडकास्ट। आज आ गया हूँ आपका मैं राजेंद्र प्लेस में, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना आपको एक बस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो ट्रैवल तो नहीं करेगी बट यहाँ पे आपको खाने को जरूर मिल जाएगा। ये एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके नहीं जाएगी बट आपको तरह तरह के खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि फूड बस ऑफ इंडिया का न्यू कॉन्सेप्ट जो कि दिल्ली में नया है और 7 डिफरेंट लोकेशंस पे ये कॉन्सेप्ट अभी अभी जो है इनके ओनर ने डाला है। मैं आपको बताता हूँ ये राजेंद्र प्लेस, लाजपत नगर और कैंपस व्यू में ये फूड बस ऑफ इंडिया खुल चुका है और यहाँ पे आपको तरह तरह की वैरायटी खाने को देखने को मिलेगी। ये बस है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाती है परंतु आप डिफरेंट चीजें खाने को ट्राई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बस में आपको टिकट देना पड़ता पहला, यहाँ पे आपको टिकट लेके अपना फूड ऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पे हैसल फ्री फूड आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि आपको टेकअवे नहीं है यहाँ पे। एक खाना खाना लेने के लिए आपको नीचे जाके खाना नहीं लेके आना ऊपर, आपको सिर्फ क्या करना है ऊपर जाके टिकट ऑर्डर करना है और जैसे ही आप टिकट ऑर्डर करेंगे आपके टेबल पे 5 मिनट में अच्छा सा खाना आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ फूड बस ऑफ इंडिया से कोई ये है फूड बस ऑफ इंडिया और आपको इसको पूरा टूर कराने वाला हूँ। मैं हूँ आरव के साथ, आरव आपको इसका पूरा टूर कराएगा और आपको दिखाएगा कि अंदर से ये कैसी बनी हुई है। मैं किसी मेन्यू से इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे पहले। इनका जो मेन्यू है ये है इनका मेन्यू जो कि हम अभी अंदर जाके 3 से 4 आइटम ऑर्डर भी करेंगे और आपको उसका रिव्यू देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए आरव को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको उसके अंदर जाके उसका टूर देगा और आपको बताएगा कि भाई अंदर से ये कैसा बना हुआ है और हमारे जो कुकिंग में हम 2-3 चीजें ऑर्डर करने वाले हैं वो कैसे प्रिपेयर होने वाली है। बिल्कुल शेर सही बात है, आप सही कहा तुमने। एक ऐसी बस है जो कि हमें ट्रैवल नहीं करवाएगी लेकिन 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 पेट पूरा जरूर करवाने वाली है क्योंकि हमें खाना जरूर देगी। एक ऐसा ऐसा बस है जिसमें आपको खाने को मिलेगा। चलिए आप देख सकते हैं, पहले तो डेकोरेशन देख लीजिए, ये ऐसी बस है। इसका पहले तो डेकोरेशन देखिए डॉक्टर, इसमें अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। इसके अंदर आप जैसा बस में जाते हैं आप स्टेयर देख सकते हैं बस का।
किया, वैसे चढ़ते जैसा बस पे चढ़ते हैं वैसे बिल्कुल नॉर्मल इसी तरीके से यहाँ पे चढ़ते हैं। और इसका पहले इंटीरियर देख सकते हो आप, ये देखो ये पूरे अच्छे से डिजाइन क्या हो रहा है, ये फ्रेम गेट है, इसका इंटीरियर देखते हैं इधर आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऐसे की बसें यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये आप देख सकते हैं सात देशों में जो ऐसे की ये इन्होंने भी बना रखा है, देख रखा है, देख सकते हो आप ये जितने ओबामा है जो इतने इतने सारे लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ पे ट्रैवल करा है, देखा है इस चीजों को। और ये आप नीचे देख सकते हो, जब आपको एंट्री करती है तो गेट मिलेगा आपको, देख सकते हो आपको खुला है, यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पा सकते हो यहाँ पे आपका किचन है, और यहाँ पे सीट देखने को मिलेगी, बट अभी यहाँ पे अलाव नहीं है बैठना, यहाँ पे अभी नहीं बैठ सकते क्योंकि ऊपर वाला जो अपार्टमेंट है ऊपर वाला जो पार्ट है उस पे जाके बैठ के खा पी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा इंटीरियर है, देखो ये बिल्कुल लाइटिंग वाइटिंग एसी वेसी सब बताता है, सीट देख सकते हो बिल्कुल ही ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी बस में है, हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, बट फील बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। चलकर ऊपर आपको दिखाते हैं ऊपर क्या 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 चीज है, ऊपर क्या देखने को मिलेगा, या ऊपर क्या सीटिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हो ये सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि कोविड में इतनी दिक्कतें आई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज का बहुत ख्याल रखा गया है, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। तो हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या माहौल है। केवल चार्जर है यहाँ पे, जो कि आप लैपटॉप कुछ भी वहाँ पे चार्ज कर सकते हो, और बहुत अच्छा रिजल्ट कर रखा है इन लोगों ने, मम्मी रेडमी टू प्लस। हम उनकी ऊपर की सिटिंग एरिया में आ गए हैं, और जब आप सिटिंग एरिया में देखेंगे ना तो भाई यहाँ के पता क्या है, एक यूजुअल चाइनीज वैन में अगर आप जाएंगे या एक यूजुअल बस में एक टेक अवे में आप खाना लेंगे ना तो हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा होता। यहाँ पे आपने देखा है कि सिंक लगा हुआ है, सैनिटाइजर लगा हुआ है, और खाने का हाइजीन का खास ख्याल रखा हुआ है। दूसरी चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको ऑर्डर कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट है, टिकट एयर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे ही टिकट को प्लेस करना है, ये आपको बारकोड दिया हुआ है, इसमें से आपको मेन्यू चूज करके बारकोड में से मेन्यू को चूज करके आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, और आपके टेबल पर ही आपका ऑर्डर आएगा, आपको कहीं जाना नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको एक हैसल फ्री खाना मिलेगा, कि आपके टेबल पर ही खाना मिल रहा है, आपको नीचे जाके बार बार खाने को लेकर नहीं आना, हल्दीराम में जैसे होता है। और अगर मैं थोड़ा सा इंटीरियर की बात करूँ ना यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेट्रो में बैठे हो, तो इंटीरियर की बात करूँगा आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप मेट्रो में बैठे हो, यहाँ पे एसी की जो क्वालिटी है ना ऐसे बिल्कुल नहीं, आपको बैठ के बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि भाई कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, टॉप नॉच क्वालिटी है एसी की, और लाइटिंग आप देख लो, और आप यहाँ का माहौल देख लो, वाइब्रेंट माहौल है कि भाई बंदा यहाँ पर आए और खाना खाए, और ऊपर आप देखो बिल्कुल ऐसे मेट्रो स्टाइल में जो है स्टाइल बनाया गया है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी आपको हर जगह देखने को दिया हुआ है, कि यहाँ पे हर जगह पे हर केबल लेके चार्जिंग पोर्ट है, इसका मतलब क्या है, अगर आप अपना लैपटॉप लेकर आ रहे हो या कुछ भी लेकर आ रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से बैठो, कॉफी पियो, मजे लो, तो जैसे कि आप देख सकते हो और यहाँ पे आपको हर केबल पे चार्जिंग बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ पर आओ मजे लो। मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बार यहाँ आके देखो, सच में अगर आप बाहर का व्यू देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो से तीन चीजें ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे खाना खा के देखेंगे, टिकट प्लेस करेंगे, और पूरी सबकी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि भाई टिकट को प्लेस कैसे करना है, कैसे क्या करना है, और आपको अपना फूड रिव्यू देंगे अपने चैनल ट्रैवल मैग्नेट पे। गाइस बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और
अगर आप यहाँ पर आते हैं और हमारा नाम लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे। मेन्यू में जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और मैंने इनकी सारी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि भाई कहीं भी लोकेशन पे जाओ। एक्चुअली क्या है, बेस्ट बात क्या है कि ये ऐसा नहीं है, ये इनके जो ओनर है इन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ इस रेस्टोरेंट को बनाया है। ये लंडन बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है जहाँ पे कंप्लीट हाइजीन और कंप्लीट लाइसेंसिंग का ध्यान रखा गया है और हर चीज को प्रॉपर वे में किया गया है। तो अब हम करने वाले फूड को ऑर्डर और फिर आपको अपने फूड का रिव्यू बताते हैं और हम फूड को ऑर्डर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि फूड का रिव्यू और आपको रेटिंग भी बता देंगे कि भाई यहाँ पे आना आपका सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। फूड का रिव्यू मारेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्लीज यार, बहुत मेहनत लगी है। और लिंक में आ रहा है मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको जाके हमें फॉलो कर लेना, उससे हम जो है अपनी नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन जो है अपडेट करते रहते हैं हर थोड़े टाइम बाद। सो लेट्स फॉलो। ऑर्डर करने वाले हैं कुछ, ये इनका मेन्यू है, आपको थोड़ा सा मेन्यू से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इनकी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, ब्रेकफास्ट की भी चीजें हैं और हैंड रोल पिज्जा भी है, कॉम्बो मील है, पास्ता है, ऑल टाइम फेवरेट। और बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये जो सारी आइटम्स है ना ये अलग अलग जगहों से पिक करी हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने सिर्फ वैरायटी को ऐड करने के लिए आइटम्स डाली है, ये अलग अलग जगहों से पिक करी हुई है और इनका सारा जो खाना है वो इनकी बेस किचन में बनता है, फिर वहां से ट्रैवल होके इनकी जो बस है इसमें वो खाना आता है। तो जब जैसे मैं आपको बताऊँ हम अभी ऑर्डर करने वाले हैं, तीन चीजें ऑर्डर करने वाले हैं, एक करने वाले हैं चॉकलेट ओरियो मिल्क शेक, दूसरी चीज हम ऑर्डर करने वाले हैं आपका स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की छोले और तीसरी चीज हम ऑर्डर करने वाले हैं यहाँ पे आपका चटपटा चिकन काठी रोल। चलिए ऑर्डर करते हैं और आपको इनका फूड रिव्यू एक बार देके आपको बताता हूँ और जैसे भी इंसान को रेटिंग दे दूंगा और इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक ये है, जैसे आप ऑर्डर करेंगे ना कुछ भी तो यहाँ पे आपको एक टिकट मिलती है, ये देखो ये टिकट है, ये आपको टिकट मिलेगी। और हमने जो चीजें ऑर्डर करी हैं वो है चॉकलेट रोल मिल्क शेक है और आपका चटपटा चिकन काठी रोल और तीसरी चीज जो हमने ऑर्डर करी है वो है स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की छोले। ये तीन चीजें हम ऑर्डर कर चुके हैं और ऑर्डर करते ही आपको जो है बिल मिल जाएगा, बिल के साथ जो है आपको टिकट मिल जाएगी। जैसे ही आपके आपका ऑर्डर आ चुका हो आपकी टेबल पे तो ये आप टिकट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और जैसे ही आपका ऑर्डर आ चुका हो आप टिकट उनको दे रहे हो इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर पूरा हो चुका है। अभी मेरे पास ये टिकट है इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑर्डर है अभी पूरा नहीं हुआ। हमने हमारी दो आइटम भी आ चुकी हैं जिनमें से एक है आपका चॉकलेट ओरियो मिल्क शेक और दूसरा है हमारा चटपटा चिकन काठी रोल। ये चटपटा चिकन काठी रोल है ये हरी और ये इसके साथ हरी चटनी है और साथ में क्या दिया है प्याज दिए हैं। ट्राई करें हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल ट्राई करें, सफर नहीं किया जा रहा ट्राई करें भाई, बहुत भूख लग रही है, बहुत देर हो गई वीडियो बनाते हुए। न्यू वीडियो थोड़ी सी हरी चटनी लगाता हूँ। अब ये हमारा क्या आ गया है आलू टिक्की चाट विद छोले, तो हमारे टिकट आप लेके जा चुके हो राइट, हमारा फूड ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उन्होंने टिकट यहाँ से उठा के तो लेके जा रहे हैं। क्या करता है बहुत बढ़िया है, कोई कंट्रोल नहीं है जैसा हमने सोचा था, मतलब बिल्कुल वैसा ही है।
जो कि लिखा हुआ भी है पर चटपटा है भी। तो जो मसाला है यार बाकी में मतलब चटपटा वाला फील आ रहा है। हाँ रख दो भी कर लो तो भाई सबसे पहले तो चिकन की क्वालिटी जो है ना बिल्कुल फ्रेश लग रहा है और जैसे आरब ने बोला जैसे नाम है इसका चटपटा चिकन काटी रोल तो नाम के हिसाब से तो एकदम ही फिट बैठ रहा है। चटपटा भी है और चिकन काटी रोल एकदम मजेदार लग रहा है। तो इसमें से जो रेटिंग है मैं आराम से पूछता हूँ आराम क्या रेटिंग देगा आराम 9 में से 10 में से क्या रेटिंग देगा भाई फिश मैं इसमें से 10 में से 10 रेटिंग देने वाला हूँ यार वाह क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसमें लिखा हुआ है चटपटा काठी चिकन रोल बिल्कुल सेम टू सेम मतलब डिट्टो ला के हमें दिया गया तो इसमें मुझे माइनस की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही। और मैं कुत्ते से पूछ रहा हूँ तू कितने नंबर मैं 10 में 9 दूंगा क्यों 9 मतलब माइनस एक चीज क्या थी ऐसी लगी तो माइनस करना देख मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि माइनस कर ऊपर मैंने बहुत जगह इससे भी अच्छे काटे रोल खाए तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि भाई 10 में से 9 जो है वो ये है कि इस लोकेशन में मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट काटे रोल होगा बट इससे भी ज्यादा और अच्छे काटे रोल हैं दिल्ली के अंदर जो आपको मिल जाएंगे मिलने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बट ये भी बहुत अच्छा है बट इससे ज्यादा और आपको देखने को मिल जाएंगे तो 10 में से 9। अब जो है हम अपनी सेकंड डिश की तरफ बढ़ रहे हैं वो क्या है आरव स्वीट स्टाइल आलू क्रिकेट छोले। इसका चटपटे छोले ट्राई करने वाले हैं हम लेते लेते हम ब्लॉक पहुंच जाएंगे भाई इसके अंदर एक टिक्की है इसके अंदर इसके अंदर प्रॉपर टिक्की है इसका जो है अच्छा रिव्यू की शीघ्र है नाम बता ये है स्ट्रीट साइड आलू टिक्की छोले स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की छोले भाई इसका रिव्यू मार भाई ये मजेदार है बिल्कुल स्ट्रीट वाला ही लग रहा है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा स्ट्रीट स्पेशल रेस्टोरेंट में माए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप भाई यहाँ बैठ के मिलकर आपकी खा रहे मसाले जो है ना इनके बिल्कुल आपको ऐसे नहीं होंगे भाई मसाले बहुत तेज हैं इनके मसाले बिल्कुल ही ज्यादा कंट्रोल्ड हैं और हर मसाला जो बिल्कुल ही कोई तेज नहीं लगा मतलब बिल्कुल कंट्रोल मसाले लगे हैं इसके रेटिंग रेटिंग इसमें मैं 10 मिनट दे रहा हूँ इसमें भी 10 मिनट बताओ भाई रीजन क्या क्यों रीजन ये है कि जैसा हमने जो जैसा हम स्ट्रीट पे खाते थे वो बिल्कुल हमें यही मिला वो टेस्ट बिल्कुल हमें यही मिला है और जो यहाँ की लाइटिंग है यहाँ का जो डेकोरेशन है उस सब चीजों को भी देखिए मैंने रेटिंग दी तो मेरी रेटिंग है 10 में से 10। अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ ना तो मैं इसमें भी 10 में से 9 पे ही जाऊंगा। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों डेफिनेटली एम्बियंस के हिसाब से खाने में मजा है बट तिरुवन रस्ता भी तुमने इससे बेहतर ही खाया होगा मैं कहीं ना कहीं तो दिल्ली में तो मैं बेस्ट अपने व्यूअर्स को अगर मेन इम्पोर्टेंस देता हुआ 10 में से 9 पे जाऊंगा कि अगर आपको लगता है कि इसमें से मतलब 10 में से 9 पे जाऊंगा कि भाई लगता है कि इससे बेटर कहीं ना कहीं मिलता है और जो 10 है वो एक गूगल सिचुएशन होगी कि भाई इससे बेटर नहीं मिल मेरे लिए बट कहीं ना कहीं 10 मैंने इसलिए भी लिया कि मैंने डेकोरेशन करा दिया भाई चाइनीज डैम पे आपको बैठने की जगह नहीं मिली थी यहाँ आपको फुल विथ एसी आपको 8 बजे सीटें मिल रही है वो मेरे नॉम इंक्लूडेड है। ओके तो दिस इज माय रिव्यू अभी एक रिव्यू और है जो हम ओरियो शेक का करेंगे उसके बाद वी लीव यार तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच। फिलहाल दिस इज ओरियो शेक जो हमने मंगाया था और
इसका जो है रिव्यू करने वाले मैं आपको पी के बताता हूँ, फिर आ रहा तो टेस्ट करेगा, फिर आपको दे देंगे अपना रिव्यू। ऐसा ये अपनी ये टेस्ट मैं कब फील करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये टेस्ट में कब फील करता हूँ, जब मैं घर पे ओरियो बिस्किट खाता हूँ और जब दूध में डिप करके जब खाता हूँ ना सेम टेस्ट है ना, ओरियो शेक को मैं 10 में भी 10 दूंगा, ये सच में मैंने काफी टाइम से ओरियो शेक किया नहीं है, और आई फील लिटरली आई फील यार दिस वाज अमेजिंग, क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी बट हां दिस वाज अमेजिंग फॉर मी, आर क्या रेटिंग कर सकते हो ओरियो शेक मैं इसमें से 10 में से 8 दूंगा, मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और आरा पर मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इन दोनों को आप ना फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको एम्बियंस से लगा हो कि भाई ये बस में मजा आने वाला है तो प्लीज यहाँ पे आके देखिए, खाना खाइए और अलग अलग चीजें ट्राई करिए, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से चलेगा, क्योंकि यू नो जैसे मैंने बताया था पहले कि भाई 7 डिफरेंट लोकेशन में ये खुल रही है, 3 में खुल चुका है और बाकी 3 में ये खुलने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।